तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक्नो टेक क्राफ्टर। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक काफ़ी शानदार और पावरफुल ड्रिल मशीन। जी हाँ, हमने एक ड्रिल मशीन घर पे बनाई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दिखती है। तो यार, ये है वो हमारी ड्रिल मशीन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटी यार इसके साइज़ पे मत जाना, काफ़ी पावरफुल ड्रिल मशीन है ये। मैंने इसको यूज़ किया है एक दो दिन। तो यार, इसके अंदर जो मोटर लगी है वो गियर्ड मोटर है, तो इसकी स्पीड है वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी तो नहीं, मतलब बट कम है। आपको दिखा देता हूँ, बट इसकी ये मत सोचना कि यार इसकी स्पीड कम है तो ये छेद नहीं कर पाएगी। इसके अंदर जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर देती है। मैंने इसको यूज़ किया है तो लगभग जो हमारी प्लाईवुड होता है, तो सॉरी यार गला बैठा हुआ है, थोड़ा खड़ा करेंगे इसको बाद में। तो यार, इस जो ड्रिल मशीन है ये लगभग 30 mm, मतलब 3 सेंटीमीटर मोटी एक प्लाईवुड में होल कर सकती है। और जो हमारी टिन की शीट होती है उस तक में ये होल कर देती है यार। तो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में किस तरीके से ये वर्क करती है, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना सीखने के लिए। हम ऐसे इस ड्रिल मशीन को घर पे बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो यार, ये इतनी महंगी भी नहीं है वैसे, और आपने ध्यान दिया होगा तो इसके अंदर कोई भी अडेप्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर बैटरी है, तो ये काफ़ी मतलब हैंडी है। और कोर्डलेस ड्रिल मशीन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मतलब ये अभी भी चल रही है क्योंकि इसमें कोई भी अडेप्टर नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर 3 सेल लगे हुए हैं, 18650 जो 3.7 का जो सेल होता है, तो वही इसके अंदर लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो वीडियो को आकर तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी और भी आने वाली ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, सीखते हैं कैसे ये बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से होल करती है। तो आप देख सकते हैं कितना मोटा है हमारा जो दरवाज़ा है, मेरे छत का दरवाज़ा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना मोटा, कितने इजीली इसमें होल कर रही है। तो देख सकते हैं आप, मैंने आर पार इसमें होल कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ टिन में छेद के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो ये डिब्बी आती है टिन की, इसमें काफ़ी आसानी से इसमें छेद कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, ये एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर भी है। जी हाँ दोस्तों, इससे हम अपने जो जितने भी घर के स्क्रूज होते हैं उसको हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसमें मैं DPD स्विच लगाया हुआ है, इससे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं और सीधा भी, तो जिससे हमारा स्क्रू खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए आपको चाहिए एक गियर्ड मोटर। जी, मैंने यहाँ पर जॉनसन मोटर यूज़ की है, 12 वोल्ट की गियर्ड मोटर। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक ड्रिल चक लिया है 1.5 mm से लेकर 10 mm तक का। तो इसको मैंने यहाँ पर MCL से जोड़ दिया है चिपकाते हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये चिपकाया है मैंने। तो मैंने यहाँ पर मोटर ली थी और इसके ऊपर मैंने शाफ्ट के ऊपर MCL लगा दिया, और फिर इसके ऊपर हमने चक को लगा दिया। सर, काफ़ी ईजी है इसको लगाना, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आप चक लगा रहे हैं वो गलती से, मतलब इसकी जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, आपको बिल्कुल सीधा रखना है वो, वरना आपका जब वो सूख जाएगा तो उसके बाद वो हिलेगा चलते हुए। तो मैंने यहाँ पर 2 PVC के पाइप ले लिए अपनी बॉडी बनाने के लिए, मतलब अपनी बॉडी नहीं है, हमारी जो ड्रिल मशीन की है उसकी बॉडी। तो मैंने यहाँ पर एक हैंडल बना लिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया था, मैंने साइड में होल किया है। अगर आप चाहें तो सामने कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं साइड से यूज़ करना ज़्यादा अच्छा मतलब प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने साइड में होल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें यहाँ पर 2 स्विच लगाने वाला हूँ, एक यहाँ पर DPDT स्विच, जी हाँ, जिसके अंदर यहाँ पर 6 लेग होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके पास 6 टर्मिनल हैं, और इसके कनेक्शन मैं आपको समझा दूंगा अभी। और यहाँ पर एक हम लेंगे पुश टाइप बटन नॉर्मल, इसे हम यूज़ करेंगे हमारे ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पर सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से ये लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मोटर को इसके अंदर फिट कर लेते हैं। फिर मोटर हमारी थोड़ी लूज है, तो इसको लगाने के लिए मैं थोड़ी इसके ऊपर टेप लगा दूंगा, ताकि इसके ऊपर थोड़ी टाइट हो जाए। तो हमने इसके ऊपर यहाँ पर टेप लगा दिया, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से फिट आ रहा है। बट यार, हम इसे पीछे तो नहीं कर सकते अब, बट यार ये हिलेगा आगे पीछे, मतलब अगर हम इसको वापस खींचेंगे तो हिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 होल कर लिए हैं। और इससे हम जो ना इसके आपको नाप के होल करने हैं, वरना आप ऊपर नीचे ना कर दीजिएगा, इसको बिल्कुल नाप के हमको 2 होल करने हैं, ताकि हम इसके अंदर 2 स्क्रू लगा देंगे, ताकि ये उसके अंदर मोटर में फंस जाएगा फिर, और ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 वायर शोल्डर कर लिए हैं, मैंने वायर काफ़ी छोटे शोल्डर करे हैं, उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो में बता दूंगा। तो अभी हम इसको इसमें लगा देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं हम अपने जो 2 स्क्रूज हैं उनको भी इसमें लगा देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपना DPDT स्विच है दोस्तों, उसको हम लगा देंगे। तो उसके कनेक्शन काफ़ी ईजी है, इसके जो 6 लेग होती है, तो ऊपर की दोनों नीचे की दोनों तो कनेक्टेड है, पर इंटरकोसली, मतलब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इस तरीके से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और मैं आप यहाँ पर हम मोटर के कनेक्शन इसमें लगा देंगे, मोटर के कनेक्शन बीच वाले जो दोनों टर्मिनल हैं उनके ऊपर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। तो अभी हम इस स्विच को इसके अंदर फिट कर देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्विच इसके अंदर फिट हो चुका है काफ़ी आसानी से। और अभी हम इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो इसके ऊपर चिपका लेते हैं दोस्तों। तो इसको चिपकाने के लिए यार इसको जो है ना थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, क्योंकि घिसने के बाद इसके ऊपर जो फेविक हम लगाएंगे मतलब MC स्टड ग्लू जो हम लगाने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगी। तो इसको हम यहाँ से घिस देंगे इस हिस्से को। तो अभी इसे हम इसको ऊपर लगा देते हैं। तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर अभी स्टड ग्लू मतलब हमारी जो फेविक या पिक्सवेल जो भी आती है उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और बाद में मैंने इसके ऊपर जो है ना हमारा जो वो आता है एरल डाइट आता है हमारा एक, या फिर आप यूज़ कह सकते हैं एपोक्सी सीलेंट जो आता है उसको भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं फिर आपको कभी ये। तो अभी हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं इसके अंदर। तो यार स्विच का वायर लगाने के लिए यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा मुझे, तो फिर उसको हम नीचे लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर होल कर दिया है और एक वायर मैंने नीचे निकाल लिया और एक वायर यहीं रोक लिया है। तो एक वायर को हम यहाँ सोल्डर कर देंगे और फिर एक स्विच के जो दूसरा टर्मिनल है उससे एक वायर निकालते हुए नीचे निकाल देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया है और एक वायर मैंने स्विच से निकाल लिया था दोस्तों। और ये जो चलने वाला है मतलब इसकी जो हम बैटरी लगाने वाले हैं ये जो हमारी 18650 जो बैटरी आती है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 3 सेल में यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर सीरीज़ में। तो ये 3.7 वोल्ट का होता है दोस्तों सेल और ये 12 वोल्ट देगा हमें आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर इसके एक बॉक्स टाइप बना लिया था। तो अगर आपको सीखना है इसको कैसे बनाते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से आप यहाँ पर मेटल की शीट्स को यूज़ करते हुए एक अपना ये बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया है और हम तीनों सेल्स के अंदर लगा देंगे। और तीनों सेल्स के अंदर जो कनेक्शन होंगे वो 12 वोल्ट मतलब हमारा जो सीरीज कनेक्शन होंगे तो हमारे 3.7 जो प्लस हो जाएगा ऐड हो जाएगा वोल्टेज तो वो अप्रोक्स हमारा 11 वोल्ट के आसपास बैठेगा। तो उससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ में मतलब पैरेलल में हमारे सेल्स के साथ एक DC जैक भी लगा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको 12 वोल्ट के अडेप्टर से भी चला सकते हैं और बैटरी से भी आप जो मर्जी चाहें। तो दोस्तों ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एकदम। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने अच्छे तरीके से घूमता है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने जो MC लगाई थी वो काफ़ी देखते हुए लगाई थी दोस्तों। और जो हमारा DPDT स्विच है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में घूम रही है दोस्तों मोटर। तो वही हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के लिए। तो मैं एक बार आपको फिर से इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मतलब मैंने आप एक प्लाईवुड ले लिया है हमारा 2 MM का जो प्लाईवुड होता है, तो इसमें किसी न किसी ने काफ़ी आसानी से छेद करती है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ और काफ़ी आसानी से होल्ड कर रहा है दोस्तों। और मैंने यहाँ पर अभी 3 प्लाईवुड ऐसे ही सेम एक साथ लगा दिए थे और इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ ये बिना रुके एक बार में इसमें होल कर दिया और तीनों के अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से होल हो चुका है। तो बस यार आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे इनसाइड।